दोस्तों, अगर आप भी कोडिंग सीखना चाहते हो, अपने दोस्तों से इम्प्रेस होकर मूवीज देखकर, या फिर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो और कंफ्यूज हो कि कौन सी लैंग्वेज सीखी जाए, तो पहले तो आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आप कोडिंग क्यों सीखना चाहते हो। क्या आप कोडिंग सीखकर एंड्रॉइड ऐप बनाना चाहते हो, वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हो, iOS ऐप बनाना चाहते हो एप्पल के लिए, गेम डेवलपर बनना चाहते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो, या फिर आप अपने दोस्तों से इम्प्रेस होकर कोडिंग सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो में हम आपको इन सब की डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, जिससे आप अपने करियर को आसानी से चूज कर सकते हो। तो वेलकम है हमारे YouTube चैनल करियर इन्फॉर्म में। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कोडिंग होती क्या है। दोस्तों, कोडिंग जो आज के टाइम में हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है, क्योंकि कंप्यूटर का यूज रेपिडली बढ़ता ही जा रहा है और कोडिंग उसका बहुत एसेंशियल पार्ट बन चुका है, क्योंकि कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है उसे कोडिंग कहते हैं। मशीन कोड एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बाइनरी 01 में लिखा जाता है ताकि कंप्यूटर इसे पढ़ सके। वर्ल्ड में हर सॉफ्टवेयर वेबसाइट कोडिंग का यूज कर ही बनाई जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कोडिंग कहते किसे है। दोस्तों, आइए जानते हैं एंड्रॉइड iOS ऐप बनाने के लिए आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस का यूज करना होगा। अगर आप iOS ऐप बनाना चाहते हो, एप्पल के सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस बनाना चाहते हो, तो आपको स्विफ्ट लैंग्वेज का सीखना होता है। एंड्रॉइड ऐप बनाने के लिए आपको जावा, कॉटलिन, फ्लिटर जैसी लैंग्वेजेस को सीखना होता है। वहीं वेबसाइट डिजाइन करने के लिए आपको फ्रंट के लिए HTML, CSS, जावा जैसी लैंग्वेज सीखनी होगी। वहीं उसकी बैक कोडिंग के लिए Node.js, Django और PHP जैसी लैंग्वेजेस सीखनी होती है। PHP काफी पुरानी लैंग्वेज है, तो पहले की वेबसाइटों में इसका यूज ज्यादा होता था, पर आज के टाइम में बहुत कम है। वही डेटा साइंस के लिए आपको पाइथन, आर और मैटलैब जैसी लैंग्वेजेस सीखनी होती है। गेम डेवलपमेंट करने के लिए आपको C#7 जैसी लैंग्वेजेस सीखनी होगी। वही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए आपको जावा, सीसा या गो जैसी लैंग्वेजेस सीखनी होती है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी है। आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर आप उसमें मास्टर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एंड्रॉइड एप्स बनाना चाहते हो, तो आपको जावा, कॉटलिन और फ्लिटर जैसी लैंग्वेजेस में से आपको एक लैंग्वेज चूज कर उसमें मास्टरी करनी होती है और उसी के थ्रू आपको एप्लीकेशन डिजाइन करनी होती है, तभी आप इसमें अपना करियर बना सकते हो। अगर बात करें इसमें क्वालिफिकेशन की, तो आपका 12th कम्प्लीट होना चाहिए, वो भी साइंस स्ट्रीम से मैथ के साथ, और उसमें आपके मार्क्स होने चाहिए 55 से 65%। इसके बाद आप BCA में एडमिशन ले सकते हो। आप बिना BCA करे भी कोडिंग सीख सकते हो, जैसे ऑनलाइन कोर्स परचेज कर यूट्यूब पर वीडियोस देखकर कोडिंग सीख सकते हो, या फिर आप ऑफलाइन कोचिंग लेकर 3 से 6 महीने में आप कोडिंग सीख सकते हो और बेसिक से एडवांस तक जा सकते हो। अब बात करी जाए इसमें सैलरी की, तो एक एंट्री लेवल डेवलपर साल के 3 से 6 लाख रुपए कमा सकता है और एक्सपीरियंस होने पर 15 लाख रुपए तक कमा सकता है। और इस फील्ड में आज के टाइम में काफी ज्यादा डिमांड है एक डेवलपर्स की, क्योंकि मोबाइल का यूज काफी बढ़ता ही जा रहा है, जिससे न्यू इनोवेटिव एप्लीकेशन की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो अगर आपका भी सपना है कि एंड्रॉइड ऐप डेवलप करने का, वेबसाइट डिजाइन करने का, तो आप इन फील्ड को चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं हमारी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।